गुड मॉर्निंग। और गाइस ये देखो, इसको कितने देर से कह रहे खड़े हो जा खड़े हो जा, खड़े नहीं हो रहा है, एकदम सोया हुआ है। खड़े हो ले। और गाइस हम जा रहे हैं, आज शादी में भी है, शादी है और शादी में हो सकता है शादी में भी जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने भाई साहब के यहाँ दयालपुर, पहले भी दिखाया था मैंने, तो अब जा रहे हैं गाइस। और हमने सुबह के नाश्ते में सूजी बनाई थी, सूजी हमने खा ली। पहुंच चुके हैं हम दयालपुर और हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में पीछे। आ चुके हैं हम भाई जी के यहाँ पर, भाई साहब के यहाँ पर, और इधर भाई जी का सर दर्शन से जी हमारे क्या बना रहे हैं इस वक्त देखते हैं। किचन में जाके क्या बना रहे हो आज? यहाँ पर चिकन उकन बन रहा है। अच्छा खाना बना रहे, तो इसमें इसमें क्या रख दिया? तो गाय इसमें है चिकन, तो आज यहाँ पर चिकन बना, और इसमें रख दिया चावल। तो ऊपर ठेकेदार भी आ रखे हैं ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बनाने के लिए, वहाँ बात चल रही है। तो कुछ कहना चाहते हो आपको, मकान ऊपर भी बनाना चाह रहे हो आप? हाँ पता, कैसे फीलिंग लग रही है ऊपर आपको, मकान बन रहा है ऊपर भी चढ़ा रहे हो 2 फ्लोर? हाँ जी जब बन जाएगा तब। अच्छा जब बन जाएगा, अच्छा ये कह रहे हैं जब बन जाएगा तब देख ले। तो अभी तो, अभी तो फिलहाल दिखा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा बनने में। अभी तो फिलहाल खाना खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इधर भाई जी अपने हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। भाई जी हिसाब किताब हो गया? नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। तो अभी भाई जी का हिसाब किताब हुआ नहीं, अभी लगे पड़े अपने कारोबार पे। फिलहाल ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ठेकेदार जी आ रखे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है बनने की, ऊपर ठेकेदार साहब आ रखे हैं और अपने कारोबार के कमरे, ये कमरे तोड़ के दोबारा लेंटर देगा इसमें। ये पूरे जितने कमरे हैं खाली तो रहता है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, बड़े कमरे वमरे सब प्रिपेयर होंगे। तो क्या हम दयालपुर में मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और बिना गारमेंट्स के पास जा रहे हैं, और अभी देखते हैं यहाँ भाई लोग शॉपिंग करेंगे। ये उतर चुके हम और ये है सामने की तरफ बिना गारमेंट्स, बिना गारमेंट्स हमने कपड़े ले लिए हैं। और बाहर बहुत रस था, हमारे को तो एक ही जैकेट मिली है और मेरे साइज के कपड़े मिले नहीं, काफ़ी शर्ट ढूंढ रहे थे मीडिया ने, एक ही जैकेट मेरे को मिली, बाकी भाई ने ले लिया, शॉपिंग कर लिया है बिना गारमेंट्स से। गाइस हम हो चुके हैं इस समय तैयार शादी के लिए और अभी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, अभी वो ये नहीं है, हो गए तैयार। तो गाइस भाई साहब ये सब दूल्हा बन रहे हैं, देखो देखो कितनी मस्त शर्ट ले रखे, और जस्ट जी अभी देखो बहुत लेट कर रही है। तो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं और भाई के साथ बाइक पे निकल रहे हैं, गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है। तो देखो भाई जी बाजी भी कब तैयार हो चुके हैं, भाभी वगैरह सब तैयार हो चुके हैं, बच्चे वच्चे सब तैयार हो चुके हैं समय, अब यहाँ से निकलने की चल रहे। अब भाई जी चले, हो गया तैयार। तो गाइस इस समय हम रोड पे हैं और एक करार लगा रहा है, लोने की तरफ रोड आती है। शादी में समय और ये पर है बैंक्वेट हॉल, आ जाते हैं बैंक्वेट हॉल। ये देख गाइस पूरी हॉल फुल है। तो गाइस इस समय है हमारे में पार्टी का में और हमारे भाई साहब के पास आने चुके हैं, आप कुछ बोलना चाहते हो बोलिए। हाय गाइस, नाउ प्रेजेंटली वी आर इन फर्स्ट मैरिज राधिका वाटिका, राधिका वाटिका एंड वी आर एंजॉइंग इन आवर सिस्टर मैरिज, हुज नेम इज एंड द ब्राइडगम नेम इज क्या नाम है दीपक, दीपक। वी आर एंजॉइंग इन दैट वाटिका, मीट माय सेल्फ माय ब्रदर किशन जी फ्रॉम दिल्ली पुलिस एंड मिस मौसा आवर कम्युनिकेशन मिनिस्टर एंड वी आर एंजॉइंग हमारे दिल्ली पुलिस के भाई जी और हमारे क्रॉस मैन है और इधर डांस सलवार पीछे के साइड में और इधर दिल्ली पाजी का गाइस। ये है खाने में यहाँ पर पनीर छोलिए चावल। अब हम यहाँ से आराध्य वाटिका साहब निकल रहे हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं और मुझे ना दूर जाना है, इसलिए मैं यहाँ से अभी लोनी साइड में है तो मुझे बुराड़ी जाना है। तो गाइस इसलिए मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ शादी से, अभी तो बारात आई नहीं और दुल्हन भी दिखी नहीं,
तो इसलिए मुझे अब जाना पड़ रहा है, क्योंकि 10:30 रात के 10:30 बज चुके हैं और रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मुझे दूर जाना, अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तो इसलिए गाइस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अयोध्या वाटिका से, ये लोनी के पास में पड़ता है राम पार्क से आगे। तो गाइस अब मैं, ये भाजी की बाइक थी और इस बाइक को अब मैं लेके जा रहा हूँ और भाजी ऊपर चले गए रोड पर। तो गाइस मिलते हैं, तब तक आगे देखते हैं और आगे मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। पहुंच चुके हैं भाई साहब के यहाँ और अब यहाँ पर ताला की चाबी नहीं है, चाबी पड़ोस में है, देखो एक रखी है। तो गाइस अब हम घर पे पहुंच गए हैं। बजा दिया, आप नहीं आए हैं। और भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया भैया। गाइस ये बहुत रो रहा था इस समय डॉगी, आंटी बता रही है, सामने से बता रही है, बहुत रो रहा था। तो मालिक तो अब आए थे, ये रोए गए। और हेलो, हाँ भाई खाना खाया? देखो गाइस डॉगी बहुत समझदार है और बिल्कुल अपने मालिक को पहचान रहा है। आंटी कितना रो रहा था ये? आंटी कह रही बहुत रो रहा था। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई साहब के घर पे, तो अब हम अपना बैग उठाते हैं, हम भी जाते हैं। और 11 बज चुके हैं और डॉगी ने यहाँ पर, अरे पहुंच गई डॉगी ने, यहाँ सुसु कर दिया। देखो गाइस ये भी ऑटो में आ गया है, पैदल मार्च कर रहे, देखो मास्क लगा रखा है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों जबरदस्त हमारे बिल्कुल सेफ्टी के साथ आ रहे हैं। और भाई साहब कह रहे हमें तो जुकाम लगा था, ये तो आए नहीं। तो हम तो गाइस जा रहे हैं, हम रात के 11:15 बज चुके हैं। चलो अब हम ऐसा बाय बाय करते हैं और गाइस अब निकलते हैं भाई साहब के घर से, दोनों दर्शक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे भाई साहब के घर से। और ऊपर भी खड़े हैं आंटी जी, आंटी जी बाय बाय है, फिर मिलेंगे। तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाय। और गाइस एक चीज खासतौर में बोलता हूँ, ये मुझे रोक नहीं रहे, मुझे रात को भेज रहे, देखो बिल्कुल रोकने के लिए नहीं कर रहे, देख लो, देखो कह रहे जाओ जाओ कोई बात नहीं, मतलब रिश्तेदारी देख लिया, भगा रहे हमें। देखो चलो भाई मिलते हैं। हम आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज बजराबाद पे, सिग्नेचर ब्रिज पे इस समय रात के, और ये सिग्नेचर ब्रिज आप देख रहे होंगे। तो गाइस देखिए नाइट व्यूज सिग्नेचर ब्रिज का। इस पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं हम, थोड़ा तेल भराने के लिए है, तो तेल है नहीं। तो ये है का पेट्रोल पंप। गाइस हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है। तो 12:45 हो चुके हैं, 12:45 हो चुके हैं रात के। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, अब गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर ली हमने यहाँ पर। और गाइज अब निकलते हैं बाहर, गाड़ी के बाहर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर पे और ये बच्चे सोए नहीं है अभी तक, ये भी जगे पड़े हैं। रात के 12 बज चुके हैं, हम घर पर जा रहे हैं, अभी तक मोबाइल चला रहा है एडिटर साहब, मैं मोबाइल चला रहा है। तो गाइज अब काफी देर हो चुकी है और शादी में बारात तो हमने देखी नहीं है, बारात तो आई नहीं है, पता नहीं कब तक बारात आई, अभी भी आई है कि नहीं कोई पता नहीं वहां पर, तो दुल्हन भी नहीं दिखी। तो गाइस मुझे हो रही थी लेट क्योंकि दुल्हन भी नहीं देखी, कहाँ देखी दुल्हन, दुल्हन भी देखी, बारात ही नहीं देखी मैंने। तो गाइस मुझे हो रही थी लेट क्योंकि मुझे बहुत दूर आना था, वो था लोनी साइड में, तो रात का वक्त था, मैं अकेला था, कोई साथ में होता था फिर इंजॉय हो भी जाता, पर अकेला अकेला बोर हो जाता आदमी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और गाइस अभी बिल्कुल मैं एकदम स्वस्थ हूँ, थोड़ा ठीक हूँ, हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा था तो थोड़ा बहुत तो कम हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 10-15 दिन, तो लगभग गाइस बिल्कुल कंप्लीट हूँ, अब बात वो भी हो ही पा रही है ढंग से। तो गाइस हम ये जैकेट लेने भी गए थे और विनय गारमेंट्स, हमने थोड़े कपड़े लेते हमारे, और मैंने सोचा था एक आध पैंट शर्ट पर, तो मेरे को पसंद की कोई मिली नहीं, और जो मैंने पसंद आए तो वो कलर थे ही नहीं उनके पास, तो ये भी एक दो कलर थे, इसमें से एक दूसरा उठा के ले गया, और ये मुझे उसने कहा मैं ले जा रहा तो ले गया, तो मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा। तो गाइज ऐसे ही एक मैंने और ले रखी है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आज शादी का बहुत ही रस है, बाहर भी अभी शादी हो रही है पीछे बैंक्वेट हॉल में, घर के पास
पीछे एक बैंक्वेट हॉल में, वहां भी शादी हो रही है, पीछे भी। आज के दिन पर इतनी शादियां, बहुत ज्यादा शादियां हैं, शादी की भरमार है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करिए प्लीज। आपके कमेंट लाइक कुछ नहीं आ रहे हैं, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो लाइक सब्सक्राइबर करना ना भूलिए, सब्सक्राइबर जरूर करिए, और कमेंट में लिखिए वीडियो आपको कैसे लग रही है। धीरे धीरे आपको हर चीज भी दिखाते रहेंगे, और तब तक के लिए बाय।